आके उसके ऐसा था टिंग 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 और फिर उसके बाद पर्सनालिटी चेंज. हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन अपरिचित मेंटल हॉस्पिटल सीन. मतलब पिछले सीन में नंदिनी इतना डर गई थी बिकॉज उसके सामने आ चुका है ये जो दो पर्सनालिटीज है ये उसके सामने आ चुके हैं. अब इसके बाद वाला जो सीन नहीं है इसके लिए एक्चुअली एक्साइटमेंट बढ़ गई. अभी ये कितने लोगों के सामने आएगा और क्या क्या चीजें आगे हो सकती है, राइट? तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट. हेलो, आई एम मोनाल नायक, वेलकम टू माय चैनल. रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. मारने की कोशिश की. ये पागलपन है या इस पे भूत सवार था या फिर ये सब कुछ नाटक था, समझ में नहीं आता. पता चल जाएगा रिग्रेस करके. रिकवर्ड मेमोरी थेरेपी के द्वारा हम जान लेंगे. हाँ तो बताइए मिस्टर रामानुज, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कोई एक छोटी सी गलती करे तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता डॉक्टर. टेंस हो जाता हूँ. तब आप क्या करते हैं? क्या कर सकता हूँ मैं डॉक्टर, बस अपसेट हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ मैं, सर दर्द होता है मेरा, माथा पूरा फटने लगता है. सब कुछ अचानक ब्लैंक हो जाता है. उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता. मुझे जब होश आता है तो कहीं और होता हूँ मैं. ओह, दूसरी ड्रेस में, किसी और रूप में. ओके, चिंता मत कीजिए, इसको पता चल, आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. एग्जैक्टली नहीं पता चला. रामानुज, इस डिस्क को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह देखिए प्लीज. आंखें थोड़ी भारी हो जाएंगी, साथ में हल्की सी नींद भी आएगी. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, हिप्नोटाइज. अंबी, अब धीरे धीरे आपकी उम्र कम करते हैं. अब आपकी उम्र 16 साल है. कल मैं पहली बार नंदिनी हमारे घर आई थी, कॉफी पाउडर मांगते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ पर पड़ा. शिट, इतना. अब आपकी उम्र 14 साल. 9th में पढ़ते वक्त टाइफाइड हुआ. 10. विद्या. विद्या कौन? छोटी बहन. बड़ी बुद्धिमान थी, जानती वो मेरी, उसने गांधी जयंती थी. ये मतलब इससे रिलेटेड कुछ है. नेशनल फैंसी ड्रेस कंपटीशन पर गए थे हम, काफी जोर से बारिश होकर रुक चुकी थी. कला और संस्कृति में महान है हमारा इंडिया, प्यार और भाईचारे में भी सबसे आगे है इंडिया. मुझे गर्व है अपने देश पर, इस मिट्टी में जन्म लिया हमें, इसका हमें गर्व होना चाहिए. हेलो, यहाँ कामराज नगर में कोने वाली दूसरी गली में करंट वायर टूट कर लटक रहा है. लाइनमैन चाय पीने गया है, आते ही बोल दूंगा. भिनीज ओटीज दो ही ब्रांड है, क्वार्टर का 50 रुपया. क्या यार, लूट मचा रखी है. आज दारू बेचना मना है, रिस्क उठा रहे हैं, चाहिए तो लो वरना. ठीक है, दो भाई. बगल की फूल वाली से ले लो, जाओ एक क्वार्टर दे दो. पकड़ा गया. सर जी, आज तो दुकान की छुट्टी है ना. तुम नाटक मत करो, दुकान बंद रख के फूल की दुकान से ब्लैक में बेच रहे थे, देखा है मैंने. निकाल. हमारे इंडिया जैसे महान देश है कोई दूसरा. इंडियंस के जैसे कड़ी मेहनत करने वाले लोग दुनिया में कहीं नहीं. ओ नो, गांधी जयंती पर सबको छुट्टी होती है, हर ऊपर से बारिश भी, लाइन वाला ही है ना, करंट ऑफ हो गया, कट हो गया, ऐसा क्या कि हमारी तो जान ले रहे हैं. हेलो, लाइनमैन वापस आया कि नहीं? तार टूट कर लटक रहा है, कोई उसे छुएगा तो मर जाएगा. हेलो, कुछ लेना देना ही नहीं है. हेलो,
लंबा रास्ता होगा बेटी। ओ नो। पानी में करंट है, कोई नजदीक नहीं जाएगा। ओह शिट यार, कैसी गई वो? उसी के डैड ने कोशिश की ना सारी। यार ये क्या रीजन हुआ यार? आठ साल यो आना, कोई मरने की उम्र है? What is the crime, Mr. Parthasarathy? लापरवाही, कर्तव्य ना निभाना। किस किस को सजा मिलनी चाहिए? पहले उस वायरमैन को। कंप्लेन मिलने पर भी करंट कट नहीं किया, फोन कट करके वो शराब पीता रहा। गांधी जयंती के दिन दुकान खोल के ब्लैक में ब्रांडी बेचने वाले दुकानदार को रिश्वत लेके उसे अनुमति दी उस पुलिस वाले को, नो एंट्री में गए रिक्शे वाले को, जिस रोड में इस तरह पानी भर जाए उसे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को, और उसको देखकर भी अनदेखा करने वाले कॉरपोरेशन को, अप्रूव करने वाले इंजीनियर को, कॉन्ट्रैक्ट पास करने वाले मंत्री को, इतनी खराब इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाले फैक्ट्री ओनर को, उसे अप्रूव करने वाले अधिकारी को, जिसने रेगुलरली चेक नहीं किया उस एरिया सुपरवाइजर को। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि राज्य में सभी को अरेस्ट करके अंदर डालना पड़ेगा। हंसने वाली बात नहीं है, हम सबके लिए ध्यान से सोचने वाली बात है। अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो मेरी बेटी बच सकती थी। चाहे कुछ भी हो, उसकी मौत के कारण रहे, हर एक को सजा मिलनी ही चाहिए। योहाना, एवरीवन शुड बी पनिश्ड। ये कोई केस नहीं बनता। हादसा, बिजली गरजना, तूफान आना, मेरे काबिल वकील साहब, मैं या आप इसे कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी स्ट्रॉन्ग बिजली की तार हो वो टूटेगी जरूर। बारिश ही अगर कारण है तो उसके लिए वरुण भगवान को चाहे तो समन भेज दो। आप भी लापरवाही की बातें मत कीजिए मिस्टर वैद्यनाथ। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी 8 साल की बेटी मारी गई। मिस्टर पार्थसारथी, हम आपके दिल की हालत समझते हुए अफसोस करते हैं। इट्स ए ग्रेट पर्सनल ट्रेजेडी। प्राकृतिक रूप से हुए इस हादसे के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो भी अचानक हो गया सब कुछ। इसको मान के हम हर एक को सजा नहीं दे सकते। केस डिसमिस्ड। छोटी उम्र में मुझे छोड़ के ये क्या? एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। मुझे बच्ची के गुजरने के दुख से ज्यादा दुख इस बात का है, माँ की गुनहगार साफ साफ कानून से बच के निकल गए, और यही माँ मैं सह नहीं पा रहा हूँ। होमवर्क बच्चे ना करे तो टीचर हमें पनिशमेंट देती है, लेकिन सबने ऑफिस वर्क बिल्कुल ठीक नहीं किया तो उनको पनिशमेंट क्यों नहीं देते दादी माँ? हम भी ऐसा मत सोचो, भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहा है। नरक में बारी बारी से उन सबको सजा जरूर मिलेगी बेटा। सजा मिलेगी मतलब? चित्रगुप्त जो है वो भला बुरा सब कुछ देखता है। यमलोक में सबका हिसाब लिख के वो यम धर्मराज के आदेश पर जिसने जितने पाप किए हैं उन सबको बारी बारी सजा देंगे वो। जो आदमी शरीर से पाप करता है उसके शरीर पर, बातों से जो पाप करता है उसकी बातों से, मन से करने वाले पापों को मन से सजा तो हर प्रकार से भुगतनी पड़ेगी। तब से आप नहीं ना। बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उस दिन मेरी बहन की जान गई। तभी तो मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो ये सोच के हर वक्त हर विषय में हमेशा ठीक रहता हूँ, अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ के मानवता को भूल के लापरवाही से सब काम करते हैं तो मुझे सहन नहीं होता है डॉक्टर, गुस्सा आ जाता है, सिर दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं। उसके बाद क्या होता है अंबी? नहीं जानता। तुम क्या बन जाते हो बाद में? जरा सोचो, सोचो। मेरा सिर फटने लगता है। बताओ, उसके बाद पूरे बदन से पसीना छूटता है। ठीक है, ओके, फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं जानता। तुम्हारे सर में दर्द, फिर उसके बाद? फिर डॉक्टर, दो मिनट। अम्बी को क्यों पूछ पूछ के परेशान करते हो? ये सब क्या है? हाईटेक लगा के सबको धोखा देते हो। आप कौन है?
अपरिचित। आपका और अम्बिक का क्या संबंध है? अम्बी वो तो एक कीड़ा है, बेचारा कुछ नहीं कर पाता। कहीं कोई भी गलती हो जाए तो रूल्स बताता है, कंप्लेन करके केस बना के हमेशा परेशान रहता है। वो उस अन्याय को नहीं रोक सकता जिसे रोकने का जिम्मा मैंने लिया है। वो कैसे? अपरिचित.com के नाम से वेबसाइट खोली है मैंने। कहीं पर भी अन्याय होता हो तो संपर्क कर ऐसे 15 कार्ड भेजे हैं। वो राज्य में पूरी तरह फैल गए, काफी ईमेल आने लगे हैं मुझे। अब तक राज्य में जितने भी अन्याय हुए हैं वो मेरे डेटाबेस में मौजूद हैं। उनका क्या करेंगे आप बताइए? ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, गुस्सा मत होना। अब तक आप कितने खून कर चुके हैं? क्या सच उगलवाना चाहते हो? तुम डॉक्टर हो, कमिश्नर नहीं। उतना समझ में है अभी भी। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? फूल बोला तो शायद नंदिनी। ओ, आके घूमने लगे रेमो। हे डॉक्टर, यू आर क्रेजी। जंगली से गुलाब के बारे में पूछोगे तो वो क्या खाएगा? हाँ, ask me. Oh my god. Rose means beauty. Beauty means dandy. As sweet as candy. Oh, yeah, we're Sharmari. Dude, I am Remo. Ram Park model, rose seller, gentle lover, dude. Aapka aur Ambi ka rishta? Ambi, hey. Ambi is a useless fellow. 8 साल से नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाते हुए भीतर ही भीतर प्यार को दबा के एप्लीकेशन पेरेंट्स को दे दी। सुसाइड भी करने चला गया, तब मैं आ गया। उसने जिस प्यार को दबा के रखा था उसे शेक करके शैंपेन बॉटल में भर लिया मैंने। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स, टन्स एंड टन्स ऑफ लव उसको भेंट में दिए। एंड नाउ शी लव्स मी। यू आर द वुमन जस्ट टेल हर दैट शी इज द वन। शी नीड्स समबडी टू टेल हर दैट इट्स गॉन। रे वो अपने प्यार को पाने के लिए खर्चा कहां से लाते हो? सिंपल, अम्बी के जो घर के कागजात है वो गिर भी रखती है। इट्स ऑल फला। उसको मालूम ही नहीं है शिट। लव अ वुमन जस्ट टेल हर दैट शी इज रियली वांटेड। शिट। डॉक्टर ब्रूस, व्हाट डू थिंक? कंफर्म्ड, इट्स मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ही इज नॉट एक्टिंग। मतलब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एक आदमी के अंदर कई आदमियों का बस जाना। भूत प्रेत जैसे बस जाते हैं डॉक्टर? इसमें भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं। कुछ लोगों के मन में दुख ज्यादा होता है जो दवा के रूप में उस बुद्धि को दूसरे के पर्सनालिटी में उत्पन्न करता है। उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको पता चले बिना ही दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। ये सब कैसे डॉक्टर? एक आदमी कम्प्लीटली दूसरे आदमी की तरह बदल सकता है? व्हाई नॉट। शराबियों को देखो, पहले शांत रहेंगे और पीने के बाद उनके बात करने का ढंग, बिहेवियर सब कुछ दूसरे आदमी की तरह हो जाता है। सुबह पूछने पर मैंने ऐसी बात नहीं की बोलेंगे। आपने देखा होगा जब औरतों पर माता आती है पहले तो वो शांत होती हैं, लेकिन जब माता आती है तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। सबसे उल्टी सीधी बातें करेंगी, जुबान पर कपूर रख के वो निकल लेती हैं। कोई गलती करे तो गुस्सा आता है और उसे मारने का मन भी करता है, लेकिन हम मार नहीं पाते। अन्याय करने वाले को देखते ही गोली मारने का मन करता है, लेकिन कानून और समाज के डर से हम वैसा नहीं कर पाते। इस प्रकार की छोटी छोटी मन की भावनाओं का एक्सट्रीम होके बाहर आना ही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। किसी और के साथ इससे पहले ऐसा हुआ? जॉर्जिया में ईव नाम की लड़की में 3 पर्सनालिटीज रही थी। अरे कैसे ना, लिटरली उसको उसको इतना मालूम है यार अम्बी के पेपर्स में। ना अम्बी है कोई तो ये मालूम है, रेमो कोई है ये मालूम है, या शायद अम्बी को कौन कौन है ये नहीं मालूम कोई और, बट बाकी पर्सनालिटीज को अम्बी है पता है, रेमो पता है, या ये सारी चीजें। तो फूल देते ऐसे आके उसके ऐसे टिंग 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 टिंग, और फिर उसके बाद पर्सनालिटी चेंज। इधर डर लगता है, बीच में से एकदम शांत बैठा है। नहीं डॉक्टर, 2 मिनट के लिए ओके ठीक है। ऐसा अगर गद्दा डर गई तो 2 मिनट के लिए। रेमो इज अ रोमांटिक पर्सनालिटी, ठीक है? रेमो अच्छी पर्सनालिटी है, जो जिसने एंड में थोड़ा हंसा दिया हमको और नंदिनी को थोड़ा सा शाय फील करवा दिया, लव फील करवा दिया, ठीक है? तो वो वैसी पर्सनालिटी, बट सबसे डेंजर तो अपरिचित है।
वो बाल वाल आगे आ जाना एंड ये सारी चीजें होना एंड जिस तरीके से बात करता है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये डॉक्टर है ना तू डॉक्टर गिरी करना इन्वेस्टिगेशन की, ओके तो ये बात यहीं पे दब जाती है, आगे जाके फिर खुलासा होता है, पुलिस को पता चलता है क्या होता है, मतलब बहुत सारी एक्साइटमेंट है अगले सीन के लिए भी देखा जाए तो, कि नंदिनी इस चीज का अब क्या करेगी। नंदिनी या तो पूरी तरीके से इसको छोड़ के बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी ऑफकोर्स, या आई डोंट नो फिर क्या करेगी। एक्साइटमेंट इंटू 100 हो गया। तो ना मेरा रिएक्शन ऑन अपरिचित मेंटल हॉस्पिटल सीन। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस ऐसे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मियालिच।